उज्जैन के कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके कामों को याद किया। और फिर इसके बाद कांग्रेस कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद रहे और रक्तदान कार्यक्रम में शामिल हुए कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने रक्तदान भी किया और यह दान किया हुआ रक्त शासकीय अस्पतालों में भेजा गया ताकि जरूरतमंदों को उपचार के समय काम आ सके। उसी को लेकर यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। और कांग्रेस कार्यालय पर इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचते हैं और रक्तदान कर जरूरतमंद परिवारों की मदद करते हैं। था किस प्रकार से कह रहा? आधुनिक भारत के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर यह आयोजन रखा गया है। जिला एनएसयूआई के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन रखा, यहाँ सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने आगे रक्तदान किया। पूर्व प्रधानमंत्री जी को याद किया गया, किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किया गया है और किस प्रकार से क्या रहा? आज पूरे देश में हमारे नीरज कुंदन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के, उनके आह्वान पर राजीव गांधी जी की जो जयंती के अवसर पर आज पूरे भारत में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उसी क्रम में आज उज्जैन में भी हमने शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में रक्तदान का आयोजन किया है, जिसमें बढ़ चढ़ के सारे कार्यकर्ता और सारे भाइयों ने हिस्सा लिया।